goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे आगे। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सनफ मल्लम मुकेश सनी सीटों की कुर्बानी देने के लिए भी है तैयार। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक राज, आप सबका स्वागत करता हूं गुड मॉर्निंग न्यूज डॉट इन में। दिल्ली से पटना पहुंचे मुकेश सनी, जब हमसे उनसे बात की, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार आवाज उठ रही, अभी तक कोई भी शेयरिंग नहीं हो पा रहा है, तो आइए क्या उन्होंने कहा सुन लेते हैं एक बार। फाइनल होगा सीटों को लेकर, अभी तक कोई महागठबंधन में बातें नहीं हुई है, ना तेजस्वी जी कुछ बोल पा रहे हैं। बहुत सारे चीज पॉलिसी के साथ तैयार होता है और मुझे लगता है कि एनडीए का अभी भी नहीं हो पाया, और हम लोग भी कल या परसों हम लोग इधर से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा, कौन कितने सीट पर लड़ेंगे, इंटरनल सारा चीज़ क्लियर हो चुका है। वीआईपी कितने सीट पर लड़ना है, कांग्रेस कितने सीट पर लड़ना है, वाम दल कितने पर लड़ना है और आरजेडी कितने सीट पर लड़ना है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुका है और बहुत जल्दी हम लोग स्थिति स्पष्ट कर देंगे। आपने कहा था कि अहम त्यागना होगा कांग्रेस को, जो सीटें मिल रही हैं उसमें समझौता करना पड़ेगा, सब पार्टी को अहम त्याग करके मजबूती से लड़ना पड़ेगा। किसी साथी को एक दो टिकट चाहिए तो मेरे से ले ले, लेकिन लड़ाई बिल्कुल ही नहीं होगा। हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं अपने सहयोगी के बीच में। आपके महागठबंधन का नेता धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं, कुछ दिन पहले मांझी जी छोड़े, फिर उपेंद्र जी और मांझी जी दोनों के हाथ से महागठबंधन की क्या स्थिति, कांग्रेस की अब गाड़ी है। देखिए, दो दल गए हैं तो तीन दल आए हैं, ठीक है, और एक दल और मतलब हमें लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आ जाएंगे, दो गए तो चार आएंगे, तो चलते रहता है। और निश्चित तौर पे हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है और उसके अनुकूल वो काम करना चाहता है, अगर उनको कंफर्टेबल नहीं महसूस होता तो दूसरा रास्ता देखते हैं। क्या आपको लगता है कि मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा आपको? देखिए, साथ में रहते तो ज़्यादा अच्छा होता, बाकी उनका अपना निर्णय हुआ, उन्होंने जो डिसीजन लिया वो उनको स्वागत है, बाकी हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। कांग्रेस के भी नेता अभी गए हैं दिल्ली, वो भी नाराज हैं, कह रहे हैं तो 70 सीट। कोई नाराजगी नहीं है, सब आपस में सेटल है, कोई कहीं पे कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो दिल्ली से भी लौटा हूँ, कल दिल्ली में टॉप लीडरशिप से बातचीत हुआ और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे। goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे आगे।